वाहिगुरु साहेब जी कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेओ तुम कथा सुधारी कहाँ लगे कीट बखाने महिमा तोर तू ही प्रभ जाने पिता जन्म जो पूत न पावे कहाँ तवन का भेद बतावे मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा कराए जानो जान सुजान सभी बिद अरदासी है पवताप निवारो जन्म मरण दो त्रास बड़ो जम फंद कटो भव सागर तारो हौमत मंदी अनाथ हे नाथ दरिद्र हरो मोहे ले हो बारो दास गोविंद फते सतगुर की बाहें दे मोहे निस्तारो ज्यों बुलावें त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सचे पातशाह जी की हजूरी दे जुड़ मिल के बैठी वडभागी सात संगत जी गुरु का संदेश उपदेश गुरु किया कुछ बातां दास आप नाले सांझियां करे उस तो पहले सचे पातशाह जी दे दर घर दी चलिया ही मर्यादा अनुसार दोए हाथ जोड़ अदब सहित फतेह बुलाई सारे प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा आप सारे मना रहे हो जिस प्रकाश नू लैके सचे पातशाह आए से उस दे वास्ते भी सिख नू जो सेध देती है वो बड़ी कमाल दी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह कहंदे ने मेरे पिता ने मैनू दो चीज़ां दी दात दित्ती ते बड़ी कीमती सी। हो हर पिता नू अपने बच्चियां दे वास्ते इन्हां दो चीज़ां दियां दातां दा ख्याल करना चाहिदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह कहंदे ने एक तां गुरु पिता ने गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह ने यह कहा सी कीनी अनक भांत तन रक्षा
दीनी भांत भांत की शिक्षा, बड़े तरीकियां नाले मेरे तन दी रखिया कीती, कीनी अनक भांत तन रक्षा, मेरी परवरिश कीती, मेरी पालना पोसना कीती, मैनू रखिया दिती, सिक्योरिटी दा बड़ा इंतजाम कीता। दूजी गल सच्चा पातशाह कहंदे ने, मेरे पिता ने मैनू दीनी भांत भांत की शिक्षा, कई तरीकियां दी शिक्षा ये भी गुरु पिता ने मैनू दिती ते मुहैया कराई। हर बाप दा एक फर्ज है अपने बच्चे दी रखिया भी करे, अपने बच्चे नू शिक्षा भी देवे। इस दे अर्थ हैं, उस दे शरीर दी रखिया दे मैने हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होवे, हेल्दी होवे, खुराक दा देखभाल करे, अपने बच्चियां नू कोई गलत रस्ता ना मिले। हर बाप दा फर्ज है वो बच्चियां दी देखभाल करे ते दूजा बच्चियां नू चंगी तो चंगी शिक्षा देवे, एजुकेशन देवे। सिख बच्चे कमज़ोर नहीं चाहिए शरीर दे तालू ते, सिख बच्चे कमज़ोर नहीं चाहिए विद्या दे तालू ते। असी सोचांगे कि ये सिर्फ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते दो गल्लां कीतियां, तुसी हैरान होवोगे इस दी शुरुआत गुरु अंगद देव जी महाराज ने आप कीती सी। आप दे चो जिहड़े भागां वाले खडूर साहब गए ने उन्हां नूं पता होवेगा, खडूर साहब गुरद्वारे दा नां गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरद्वारा मल अखाड़ा साहब रखिया से। मल अखाड़ा दा मतलब आंदा जिथे घोल आंदे ने, कुश्ती आंदी है, जिथे एक्सरसाइज आंदी है। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह बच्चियां नूं उत्थे मल अखाड़ा कुश्ती सिखाउंदे सी, बच्चियां दी खुराक दा ध्यान रखदे सी, फिर अपनी आप ही सच्चा पातशाह बच्चियां नूं गुरमुखी अक्षर भी सिखांदे सी। कोई पुछदा सी गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह कोलों, भी गुरद्वारियां दा नां, धर्म स्थानां दा नां आश्रम होवे, शांति दी जगह होवे, जिथे किसे दा ध्यान टिकदा होवे, ए तां समझ पैंदी है गल। पर यह समझ नहीं पैंदी जो गुरुद्वारे दा नाम मल अखाड़ा होवे, ये की कर रहे हो, मनुखता नू केड़ा सबक दे रहे हो, केड़ी लाइन उत्ते चलाना चाह रहे हो। तो गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह कहंदे सन, मेरा सिख गुरु का सिख शरीर करके तंदुरुस्त होवे, दिमाग करके रोशन होवे, आत्मा करके उच्ची बुलंदी छूए, सिख दे अर्थ यही है। शरीर कमज़ोर होवे, दिमाग कुंड होवे, आत्मा गिरी हुई होवे, ऐसे नू सच्चा पातशाह सिख परवान भी नहीं कर दे। शरीर कमज़ोर होवेगा विकारां नाल, गलत खुराक नाल ले, शरीर कमज़ोर होवेगा नशिया नाल ले, शरीर कमज़ोर होवेगा गलत रस्ते ते चलिया, मन कमज़ोर होवेगा अनपढ़ता नाले, ते आत्मा कमज़ोर होवेगी जदों आदमी दा जमीर विक जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिख नूं ए तीनों चीज़ां दित्तियां ने। ते गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह बारे कलगीधर गुरदेव कहंदे ने, मेरे पिता ने कीनी अनक भांत तन रक्षा, कि दीनी भांत भांत की शिक्षा, शिक्षा देती है। ये तीन चीज़ां असी अपने बच्चियां दे वास्ते जरूर मुहैया कराइए, उन्हां वास्ते सारियां चीज़ां देइए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह दा ये प्रकाश, ये चानना
हर सिख दे दिल दिमाग दे बैठना चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह भी सिखां नूं कसरत करवानी सिखाउंदे से, शस्त्र विद्या सिखाउंदे से, सिखां नूं कमज़ोर नहीं कीता। सिख इतिहास की एक बड़ी शानदार कथा आउंदी है। मर्दां दी तां एक पासे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह बीबियां दे वास्ते भी जिहड़ा मार्शल आर्ट है इसनों सीखण की प्रेरणा देंदे से। बच्चियां थोड़ा जिहा सावधान हो के इस गल नूं सुणन। होले महल्ले दे उत्ते सिख जत्था बना के आउंदे सी सच्चे पातशाह दे दर्शन करन वास्ते, ते चलदे चलदे सिख दा सिदक सी, शब्द पढ़दे सी, कीर्तन करदे सी, ऐउं महाराज दे वास्ते भेटा लैके भी आउंदे सी। आप दे इच्चो जेड़े आनंदपुर साहब दा आसा पासा जानदे ने उस दे इच्च गुज्जर ते रंगण बहुत आउंदे सी। पहाड़ी इलाका, गुज्जर बहुत, जेड़े गां मझ ए लैके बकरियां लैके भेड़ां लैके चारदे सी, ते आए गए नूं लुट भी लैंदे सी, गुज्जर भी ते रंगण भी। सिख इतिहास कहिंदा है एक बीबी सी, उसका नाम सी बीबी अनूप कौर। ये अपने जत्थे दे नाल चल के आ रही सी, कीर्तन की मस्ती दे च घोड़े ते सवार बीबी अनूप कौर अगे लंघ आई, जत्था पिछे छुट गया। सामने दो पठान ओ खड़े हो के रस्ता रोक के विचकार आ गए। मन ने सोचा खूबसूरत ते जवान सिख लड़की है, अज साडे हत्थे आई गई। जो रस्ता रोक के खड़े होए, बीबी अनूप कौर ने पिछे वेख्या, जत्था नहीं आ रहा। आवाज़ सुनन दी कोशिश की थी ता शब्द दी आवाज़ बड़ी दूर चली गई सी। आप कली ते सामने दो जवान ते जंगजू किस्म दे पठान खड़े होए हैं। एक वारी मन दे च कांबा जाग पिया, डर गई। पुराना एक ख्याल सी जो स्त्री अबला है, बिचारी है, शोधी है, छोटी होवे ता बाप उसकी रखिया करे, वड्डी होवे ता पति उसकी रखिया करे, बुढ़ी हो जाए ता बच्चे उसकी रखिया करन। अपने वास्ते स्त्री दे कोल कोई ताकत ते समर्था नहीं है। एक संस्कार दिता गया से, ते इस संस्कार दा सदका बड़ा कुछ होया, जिथे स्त्री समाज एकदम नीवे पद्धर ते आ गई। लोगों ने कह दिता स्त्री की मत होंदी नहीं, जे मत है भी सही तो उसकी अड्डी दे खुरी दे चौंदी है, मत है ही नहीं। तुलसी जैसे भगत ने भी यह कह दिता सी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल काल ताड़न हितकारी। ढोल नूं वजांदे रहो तो आवाज़ निकलती रहेगी, मारदे रहो। तुसी गवार नूं भी जदों मारदे रहोगे तो सिद्धा होवेगा, पशु नूं मारोगे वह भी ठीक चलेगा। इस वास्ते स्त्री दे उत्ते भी कुटापा मार चाड़दे रहो, मारदे रहो, तां सिद्धी रहेगी। ये तुलसी जैसे भगत भी कह गए, यानी कि स्त्री नूं हमेशा ही ढोल नाले, गवार नाले, पशु नाले तुलना दे दिती। थोड़ी एकाग्रता नाले सुनना, इसनों तुलना दे देते। पर गुरु नानक सतगुरु सचे पातशाह ने ऐसा नहीं किया। अनूप कौर दे मन दे च आ गया, मैं कली, जत्था बड़ा पिछे है। एक बारी डर गई, पर दूसरे ही मन दे च आ गया एकदम ख्याल दे च, जो गुरु पिता ने सिख नूं कहा है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।
ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਯਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਤੇਰੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕਦਮ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸਵਯੰਭਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜਤ, ਉਹ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਠਾਣ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ, ਝੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਦਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਠਾਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਾਇਆ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ, ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਿੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਿੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਜੇ ਕੱਢੇ ਹੀ ਸਨ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ,
बड़े ही वजह दी चा के कहन लगे सारी संगत नो, संगत जी आज दीप कौर ने अपनी इज्जत बचाई है, गुरु की इज्जत बचाई है, सिक्खी बचा ली है, आज दीप कौर पूर्ण सिक्खी दे च है, मैं इसनु अपनी बेटी कहना ते मेरी बेटी है। ते उस बुजुर्ग नु कहा कदी ऐसा ना सोचना जो सिख बीबी कली है, इसके अंदर हिम्मत चाहिदी है, समर्था चाहिदी है, ताकत चाहिदी है। ते वड्डी तो वड्डी ताकत आउंदी है जदों शरीर गलत पासे ना चलदा होवे। कीनी अनक भांत तन रक्षा, कई तरीकिया नाले शरीर दी रक्षा कीती, शरीर नू तंदुरुस्त बनाया। इस वास्ते सिख बच्चे गलत पासे नहीं जाने चाहिए, गलत खुराक नहीं खानी चाहिए। जदो कोई सिख बच्चा अपने मूँह दे च गंदगी पाउंदा है ना, जेडे पाउच च मिलदियां ने, वो सिखी नू शर्मशार कर रहा है ते अपनी जिंदगी खुआर कर रहा है। ये बचा चाहिदा है, बहुत जरूरी है। शरीर की तंदुरुस्ती चाहिदी है, दिमाग रोशन चाहिदा है। ये कदों होवेगा जदों पढ़ाई होवेगी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह कहंदे सी मेरे सिख नू गुरमुखी जरूर पढ़नी चाहिदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह चार भाषावां दे माहिर सन, हिंदी भी सी, ब्रिज भी सी, फारसी भी सी, ते एक होर भाषा आउंदी है उसनू कहंदे ने रेखता। रेखता दा मतलब आउंदा है जेड़ा मिक्स कीती जाए, फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी विचे हिंदी, इसनू रेखता कहंदे ने। जाप साहब दी बाणी वेखो तो कमाल दी एक गल है, इतनी भाषा दी बारीकी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह जानते सी, कमाल से कमाल से उत्ते। फिर तुसी वेखो फारसी दी जेड़ी शायरी कीती है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे देच, उस देच भी लोकी अश अश कर उठते ने भी इतनी कमाल दी। 22-42 साल की कुल उम्र, उस देच साहित्यक रचना इतनी कमाल दी कीती, इतनी आकार दी कीती। कहंदे ने 9 मण कागज सी जिस उते सचे पातशाह ने आप ते 52 कवियां तो सब कुछ लिखवाया ते लिखिया सी। 9 मण कागज, छोटी गल नहीं होंदी। जफरनामा फारसी देच एक बड़ी कमाल दी चिट्ठी है, ते भी एक वेखना पएगा। मैं अक्सर कहना होना कोई आदमी डिप्रेशन दे च होवे, जिंदगी दा सब खत्म हो जाए होए, पर जे जफरनामा पढ़ ले ना, उस दे अंदर ढेंदी कला कदी नहीं आएगी, चढ़दी कला होवेगी। जफरनामा फारसी दे च है। आपने कदी ख्याल कीते सचे पातशाह ने कदों लिखिया सी ते किथे लिखिया सी? मैं आपनू इतिहास दा एक वरका कहना चाहना, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी विद्या ते विद्या दे नाल जुड़ी हुई आत्मा कितनी बुलंद सी, ये वेखण वाली गल है। जफरनामा सचे पातशाह ने लिखिया सी जदों चारों साहबजादे शहीद हो गए से, आनंदपुर उजड़ गया से, दीने कांगण दे च आए से महाराज। दीने कांगण दे च एक कंध उते बैठ के सचे पातशाह ने जफरनामा लिखना शुरू किया। भाई साहब दया सिंह जी पूछन लगे, गरीब नवाज जमीन एडी वड्डी पई हुई है, थले बैठ के तुसी लिखो, की लिख रहे हो? वो भी कंध उते बैठ के। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे, दया सिंह ये जो कुछ लिख रहे हैं ना, जमीन उते रेंगण वाले आदमी इसनू नहीं समझ सकणगे, जेड़े थोड़ा जिहा जमीन तो उपर उठणगे ना ओही समझणगे की लिख रहे हो। कलगीधर पातशाह कहन लगे, जित दी चिट्ठी लिख रहे हैं। जफरनामे दे अर्थ हैं जित दी चिट्ठी,
किनू लिख रहे हो? औरंगजेब नू लिख रहे हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो कोई लिखिया फारसी जबान दे च, वो अपने आप दे च कमाल दी एक बख्शिश है जो दुनिया दे वास्ते अजे भी हैरान करन वाली है। 42 साल की उम्र ते उस दे च इतने कमाल दा साहित्यक रचना की करनी, कमाल से। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचे पातशाह ने उस जफरनामे दे च जो कोई लिखिया है ये रोशन दिमाग ते बुलंद जमीर ओही लिख सकता है। थोड़ी जी एकाग्रता देनी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह ने औरंगजेब नू कहा सी, तुरा तर्क ताजी व मकरो रया, मरा चारा साजी व सिदको सफा। औरंगजेब तेरी सारी दी सारी जिंदगी चलाकी नाले भरी हुई है, ते मैनू मालक ने अपना सिदक भरोसा दिता है। ए समझना थोड़ा जहा, सिदक ते भरोसा दिता है। दरअसल सिदक ते भरोसा सिख कोलो एक बड़ी वड्डी बरकत सी, बड़ी वड्डी बख्शिश सी। सिख इतिहास का यह भी एक बड़ा सुंदर वरका आउंदा है। जदों पहाड़ी राजिया ने सोचा ना आनंदपुर का किला असी खुलवा देंगे, ते पुछया गया भाई किस तरह खोलोगे, एडा भारी है जेड़ा आनंदपुर का किला है उसका दरवाजा किस तरह खुलवाओगे। सिख इतिहास कहता है ये कहा गया भाई हाथी नू शराब पिलावांगे, उसके मथे दे उत्ते लोहे दे वड़े वड़े तवे भारी ओ लावांगे, ते उसकी सुंड दे च बड़ी तिखी तलवार देवांगे, ते सिखावांगे। हाथी जाएगा ते ओ तोड़ देवेगा, तो फिर असी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू होरां नू पकड़ के औरंगजेब दे हवाले कर देंगे। रात पता चल गया, पता चल गया सचा पातशाह नू जो हाथी आएगा जिस दे मथे दे उत्ते लोहे दे तवे आउणगे। बड़ा वड्डा तस्कर टाइप दा वो हाथी है, वड्डा हाथी है। इस हाथी दा मुकाबला कौन करेगा? आप ध्यान मेरे पासे दो, इसका मुकाबला कौन करेगा? कहंदे ने सचे पातशाह दे कोल एक सिख होंदा सी मसंद, उसका नाम सी दुनी चंद। दुनी चंद खांदा बड़ा सी, बहुत खांदा सी। जदों कड़ा प्रसाद की देग आउंदी सी तां पूरा दा पूरा बाटा ही भर के खा जांदा सी, रोटी खाउंदा सी गिणती कोई नहीं सी कर सकदा, ते खा खा के उसका शरीर बहुत वध गया सी। चलदा सी तां टेढ़ा मेढ़ा होके ऐं चले जिस तरह कोई हाथी का बच्चा चल रहा होवे। सिख इतिहास कहंदा है उसका शरीर वेख के, आकार वेख के, उसकी खुराक वेख के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह नू पुछया उस हाथी नाले किसका टाकरा करावांगे, वो हाथी बड़ा वड्डा है मशहूर है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुनी चंद दे पासे वेख के कहा, दुनी चंद है गुरु घर हाथी, इसे लड़ावेंगे तिस साथी। ए गुरु नानक दे दर उत्ते गुरुद्वारे दे च खा खा के शरीर वधा के जेड़ा दुनी चंद हाथी वर्गा बनिया है, असी इसे दा टाकरा उस हाथी नाल करवावांगे। एडा वड्डा शरीर, भारी भरकम, पर अंदर डर गया मन। मन ही सोचन लग्या भई एक मनुख है, की होया जे चार रोटियां ज्यादा खा जाना, की है जो थोड़ा जहा कड़ा प्रसाद ज्यादा खा जाना, पर सचा पातशाह तो मैनू हाथी नाल लड़वाना चाह रहे ने। लोग बड़े अजीब आते ने, की होया इतना तो खादा, इतना तो खादा है। आदमी बड़ा अजीब है, ब्लड शूगर होई होंदी है, सारिया नू कहंदा है चाह फिक्की ते 10-10 रसगुल्ले खा जाएगा। तुसी वेखदे हो आदमी की हालत।
बीमार हो जाएगा भावें। तो दुनी चंद ने सोच लिया की होया जे चार फुलके ज्यादा खा जाना, की होया जे थोड़ा कड़ा प्रसाद ज्यादा खा जाना, मैं हाथी नाल लड़ सकदा? कोई इंसान हाथी नाल लड़ सकदा है? कहिंदे ने इस दे मन दे च डर आ गया। हुण तुसी वेखो एडा वड्डा शरीर पर अंदर डर आ गया, डर आउंदे ही नर्वस हो गया, कमजोर हो गया, थिड़क गया। कमजोर आदमी बड़ी छेती थिड़क जांदा है, कुराए पै जांदा है। दुनी चंद ने कई आदमियों नू अपने नाल मिलाया ते कहन लगे ए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो सिखां नू ऐं अजाई मरवाई जा रहे ने, मरवा देणगे, आपां साथ छोड़ के चले जाइए। कुछ आदमी तो इनकार कर गए, पर कुछ जेड़े सन ना इसे तरह के कच्चे पिल्ले ओ दुनी चंद दे कहने दे ही चाह गए। कहन लगे किस तरह करिए, ते एक दूजे नाल सलाह कीती बे रस्से दे राही असी सारे आनंदपुर साहब दी ए किला जेड़ा है ना थल्ले उतर के ते घरों करी चले जावांगे। सिख इतिहास कहिंदा जदों दुनी चंद दी अपनी वारी आई, शरीर भारी सी, रस्से नू पकड़ के जदों थल्ले उतरन लग्या रस्ता रस्सा विच्चे ही टुट गया, तड़ाम थल्ले डिगया, दोनों लत्तां टुट गईयां। ते क्या फिर बई मंजी उत्ते पा के दुनी चंद नू उसने पिंडी च छड़ दईए। जदों पिंडी च लैके गए टुटियां हुई लत्तां नाले सप आया, वो लड़िया ते दुनी चंद दी उत्थे मौत हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह नू कहा दुनी चंद भज गया सी मौत तो डरदा होया, पर मौत किस नू कोई नहीं बचा सकिया, मर गया, सप लड़िया, लत्तां भी टुट गईयां, हुण की होवेगा। सिख इतिहास कहिंदा है कलगीधर पातशाह दी नज़र पतले जई एक शरीर दे मालक पर जिस दे अंदर हिरदा बड़ा मजबूत सी उस उत्ते पई। उसका नाम सी भाई बचित्र सिंह। भाई साहब मनी सिंह जी दे बेटे सन। ये सारा खानदान शहीदां दा खानदान होया है। जो बचित्र सिंह ते नज़र पई कलगीधर पातशाह दी, कहन लगे सचा पातशाह असी बचित्र सिंह जैसे चीते नू उस हाथी दा टाकरा करवावांगे। बचित्र सिंह खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा पातशाह आप दी नज़र सुवली होवे एक हाथी की, हाथियां दे झुंड भी मैं भजा देंगा आप दी बख्शिश दा सदका। गल ओई है पकड़ ली तो अंदर ताकत आ गई, जे उसनू गलत पासे लै गए तो अंदर दी ताकत भी कमजोर हो गई। दुनी चंद एडा भारी शरीर दा आदमी डर गया, बचित्र सिंह एक पतले शरीर दा आदमी, हिम्मत पैदा हो गई, गुरु दे बचना नाले सिदक जोड़ लिया। सिख इतिहास कहिंदा है सुबह होई बचित्र सिंह ने नागनी लई। आप केसगढ़ साहब जाओ ना ते वो नागनी बरछा है जेड़ा घुमावदार अगो बनिया होंदा है, ते आप ही दरवाजा खोलिया, हाथी नू दरवाजा भन्नण नहीं दिता, आप ही खोल लिया। घोड़े ते सवार होए सी बचित्र सिंह जी, दोए हत्था नाले नागनी बरछा पकड़िया ते रकाब उत्ते अपने पैर इतने मजबूत कीते, कहंदे ने इतने जोर दा ओ नागनी बरछा हाथी दे सिर उत्ते मारिया सीधा अंदर खुब गया। जो अंदर खुबिया हाथी चिंगाड़ा मारदा होया पुट्ठा होया अपने आदमियां नू रोंदा होया ते चला गया। सिखां ने जय जयकार गजा दिते, सिख नू कमजोर नहीं बनाया। सिख कोल ताकत चाहिदी है, सिख इस तरह का नहीं चाहिदा जिहड़ा हर जगह ते डर जाए। पंगाणी दा जदों पहला पहला युद्ध होया सी ना, उस वक्त सचा पातशाह तां सैर करन गए सी, पर पहाड़ी राजिया ने वेख्या बई कल्ले हन, थोड़े जिहे सिख हन, पकड़ लवांगे।
आनंदपुर तो भजा देंगे। जो हमला किया सचे पातशाह ने वेख्या, सिखा ने उन्हें पहाड़ी राज्यों की फौजा भाजड़ा पा दतिया। तो सिख इतिहास कहता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह दरख्तों के पिछे चले गए। कोई सिखा ने वेख्या सतगुरु नहीं दिख रहे, मन में कई किस्म के ख्याल जाग पे, कोई बुरा हादसा ना हो गया होवे, कित्थे हैं सतगुरु। वापस आने लगे, घोड़िया की सवारी की हुई सी, शस्त्र बस्त्र सन, पहाड़ी राजे दियां फौजां नूं भाजड़ां पा दित्तियां सन, पर नर्वस हो गए, मुड़को मुड़की हो गए। वापस जदों होए तो सचा पातशाह दरख्तों के विचों निकल के सामने आ गए। एक मुखी सिख ने कहा महाराज कित्थे चले गए सी, अपने च ना वेख के तो सानू कई किस्म के बुरे ख्याल जाग पे से, सचा पातशाह कित्थे गए से। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह कहन लगे भाई सिखो, तुहानू सबक सिखाण दे वास्ते दरख्तां दे पिछे गया से। सिख कहन लगे महाराज इस वक्त ही सबक सिखाना सी, संगत ही जाके सिखाना सी ना, जदों दीवान लगदा हुण इत्थे। जालम तो मारना चाहते ने ते सानू सबक सिखाण वास्ते, केड़ा सबक? कलगीधर पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे भाई सिखो सानू अपने च ना वेख के तुसी डर गए सी। कहिंदे हाँ डर गए सा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सचा पातशाह ने सिखा नू कहा भाई सिखो शरीरां दा साथ सदीवी साथ नहीं निभदा, वो शरीर किसे दा भी क्यों ना होवे, शरीरां दा साथ सदीव साथ नहीं है, याद दा साथ सदीवी साथ है, गुरु दा भी साथ गुरु दी याद नाले है। जिथे गुरु नू याद करोगे उत्थे तुहाडे अंदर गुरु दी ताकत आवेगी। ते सचे पातशाह ने सिखा नू सबक सिखांदे होए कि असी पंजवें पातशाह दे बचन हर वक्त याद करो, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। फारसी दे कितने माहिर सन सचा पातशाह, जफरनामा पढ़न जैसा है, बड़ा कीमती है। कहते ने औरंगजेब तू हर वक्त मक्कारी करता रहा, तो असी मालक दी सिदक दे इच हाँ, तो सिदक नू कदी घाटा नहीं आता। फिर जफरनामे दे सचा पातशाह कहते ने औरंगजेब तू अपने किरदार नू वेख, करैक्टर नू वेख, तेरा की है। मैं समझदा औरंगजेब दी आत्मा नू हिलाण वाली वो चिट्ठी सी जिसका नाम जफरनामा है। बचन बड़े प्यारे हैं, कहंदे ने तू खाके पिदररा ब किरदारे जिस्त, बखूने बिरादर ब दांदी सरिस्त, तू अपने बाप दी मिट्टी रोलन वाला, भरावां दे खून नाले हाथ रंगन वाला, तेरा एक करैक्टर ते किरदार है औरंगजेब, अपने गिरेबान दे झाती मार के वेख। मुक दी गल, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चारों साहबजादियां दे शहादत दे नाल वास्ते भी ये बचन कहे सी, जिहा शुद्ध के चूं बचेगा कुश्ता चार, के बाकी बिमानदस्त पेचीदा मार। की होया जे चार बच्चे तू मार देते, बाकी कुंडलदार सिख बच्चा मेरा हमेशा ही भुजंगी दे रूप इच सामने आंदा रहेगा। किसे ने पूछया सी ते कहया सी कलगीधर पातशाह इतना ते तस्लीम कर दिओ ना, बई इस आदमी ने तुहाडा कुछ नहीं रहन देता, पिता तुहाडा शहीद, बच्चे तुहाडे शहीद, बिरद माता तुहाडी शहीद, आनंदपुर सब लुटिया गया, सारा सिख खेरू खेरू हो गए, इतना तो मन लो तुहाडा बड़ा नुकसान कीता है। तुसी इसनू सुनना थोड़ा जिहा, सचे पातशाह ने सानू जिहड़े सबक दिते ने बड़े कमाल दे हन। असी भी कदी कदी सोचते हैं बड़ा नुकसान होया, बड़ा नुकसान होया, पर मैं आपको एक गल कहनी चाहूंगा, शहीद होना नुकसान होना नहीं,
ਇਉਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੂ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੋ ਪਵੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋ ਪਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਫਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੁਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਗਰ ਕੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੋਗੰਧ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਵੋ ਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਉਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਬਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ।
फुल पहले खराब होवेगा पत्थर दे रगड़न नाले, पत्थर नू थोड़ी कोई फर्क होवेगा। पत्थर कोई भैड़ा आदमी चुके ते सोने दे भांडे उत्ते मारे तो सोने दा भांडा टुट जाएगा। शेर है सतगुरु दा, संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकन। बदगो कहंदे ने भैड़े आदमी नू, तुसी भैड़े आदमियां दा इक्को ही करैक्टर वेखोगे, उन्हां कोलों नैगेटिव पावर बड़ी आउंदी है ते ओह नुकसान करन दे वास्ते बड़े तैयार रहिंदे ने। भैड़े आदमी दी इक तुसी वेखोगे सुभा है, जदों भी उन्हां दे अंदर ताकत दा एहसास आउंदा है तां उस वक्त ओह नुकसान करदे ने, भावें सगा भरा क्यों ना सामने होवे नुकसान करदे ने। पृथ्वी चंद भी तो यही कर रहा सी ना, सुली खान नू कहिंदा सी पैसे नहीं मैं पिंड दे देंगा, मेरा छोटा भरा कतल कर दे। प्रोफेशनल किलर सी सुली खान। नैगेटिव पावर जदों आउंदी है तां नुकसान करदे आदमी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह कहिंदे ने भैड़ा आदमी पत्थर चुक ले सोने दे भांडे उत्ते मार देवे ता सोने दा भांडा टुट जाएगा। पर दूजी गल बड़ी कमाल दी कहंदे ने, औरंगजेब सोने दा भांडा टुट के भी सोने दा रहेगा, पत्थर तोड़ के भी पत्थर रहेगा, सोने दी कीमत घटेगी नहीं ते पत्थर दी कीमत कदी वधेगी नहीं। शेर बड़ा कीमती है, संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकम, कीमते संग ने फजायत व जरकम ना शुद्ध। औरंगजेब साडे बच्चियां दा दिन दिहाड़ा रेंदी दुनिया तक मना के माण करेगा सिख, साडे पिता दा भी शहादत दा दिहाड़ा मनुखता मना के माण करेगी, पर तेरी मौत ते तेरी कबर उत्ते कोई दीवा भी नहीं जगाएगा। ते आज भी यही गल है, गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह जी दी शहादत वाली जगह शीशगंज साहब दे 24 घंटे देसी घ्यो दे दीवे जगदे ने, ते औरंगजेब दी कबर उत्ते मिट्टी दे तेल दा दीवा जगाण वास्ते भी लोका कोलो पैसे मंगने पैंदे ने। सोना सोना है, पत्थर पत्थर है। इस वास्ते डरियो ना, हालात ऐसी होवे डरो ना, इस नाले जमीर उच्ची होवेगी बुलंद होवेगी। मैं एक छोटी जी गल कह के ते समाप्ति करदा, जेड़े 4-5-7 मिनट रहंदे ने। शरीर तंदुरुस्त चाहिदा है, दीनी भांत भांत की शिक्षा, कीनी अनेक भांत कर तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। शरीर तंदुरुस्त चाहिदा है, दिमाग रोशन चाहिदा है। सचा पातशाह कहंदे सी मेरा सिख अनपढ़ नहीं, पढ़ाई करे गुरमुखी जरूर सीखे। आनंदपुर साहब दे सचे पातशाह ने एक बारी ऐं भी कह दिता, जिस सिख ने साडी खुशी लैनी है वह गुरमुखी जरूर सीखे। सिख इतिहास कहंदा पिछे बैठा होया एक 90 साल का बुजुर्ग खड़ा हो गया, कहन लगा महाराज तुसी तो यह कह दिता खुशी लैनी होवे तो गुरमुखी जरूर सीखे, मेरी उम्र हुण 90 साल की है, तुहाडे दादा गुरु दे वक्त का सिख बनिया होया हाँ, मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं, अज तक सीखिया ही नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हाँ, कि आपकी खुशी नहीं लै सकता। तुहाडे दादे गुरु का सिख बनिया, उन्हां दी सेवा करता रहा, मैं 7वें 8वें 9वें पातशाह दी 4 गुरु साहिबानां दी सेवा की थी, ते तुसी हुण अपने उम्र दे हिसाब नाल कहंदे हो जिसने साडी खुशी लैनी होवे वह गुरमुखी सिख ले। महाराज थोड़ा जिहा साडी उम्र का भी ख्याल कर लो, अपनी उम्र दे नाल तां तुसी इह गल कह दित्ती। सिख बड़े तेज़ होण दी कोशिश करदे रहे ने, मैं हूँ बुढ़ा तोता की सीखे, तुहाडी खुशी नहीं मिलेगी, तुहाडे कोल पहले तो सारे गुरुआं की खुशी लई तुहाडी नहीं लवांगा। कलगीधर पातशाह मुस्कुरा के कहन लगे सिखा तू दुहाई पा रहे अपने बुढ़े होने दी,
90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਕੁਛ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏ, ਖੱਡਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ 35-36 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਆ ਖੱਡਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਟੋਆ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਡਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ 35-36 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ 35-36 ਦਿਨ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਟੋਏ ਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੇ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਟੋਏ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ ਦੋ ਤਾਂ 36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 36 ਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਤੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬੁਲੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸ਼ੇਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਭੁਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁਜੰਗਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਭੁਜੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਓਏ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭੁਜੰਗਣ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬੱਚੇ ਗਾਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
तैनू चैन नहीं लैन देवेगा। उदो सिखां ने माण नाले अपने बच्चों नू भुजंगी कहना शुरू कर दिता सप। ते तीजा अखर है सानू दिता है वह है निहंग। आपने ख्याल किया निहंग का अर्थ की आता है? ये फारसी का अखर है। हिंदी दे कोई अर्थ ना करे हंगता तो रहित, हंकार तो रहित नहीं। जिसका ये अखर है जिस बोली का उसे दे अर्थ लो। निहंग फारसी दे है, ते निहंग दे अर्थ होंदे ने मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, शेर भी जानवर, सप भी जानवर, भुजंग ते क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी जानवर। मैं अमेरिका दे कथा कर रहा सा ते एक नौजवान विच खड़ा हो गया। मैनू कहिंदा ज्ञानी जी गुरुआ ने जानवर ही बना दिता, मनुख नहीं बना सकते सी, सप भी ना दे दिता, भुजंग भी दे दिता, शेर भी दे दिता, मगरमच्छ भी दे दिता। मैं उन्हों कहा भी तू अर्थ नहीं समझिया, ये ना दे पिछे अर्थ है। कोई जदों कोई बच्चा पढ़ता ना होवे ते बाप कह देंदा मैं उन्हों कहा सी तू नहीं पढ़ता होवेगा, तो बचपने दे तेरा बाप कहता होवेगा ना वही तू खोता बनना है जो पढ़ता नहीं। खोता प्रतीक है दूसरे का समान ढोन वास्ते। जेड़े पढ़ते नहीं वो भी मजदूरी का भार ढोते रहते ने खोते की तरह, प्रतीक है। इस तरह ये तीन नाम भी प्रतीक हैं, शेर सिंह, भुजंग सप, निहंग मगरमच्छ। इन्हां दे अंदर अणख बहुत उच्ची आती है, बहुत सैल्फ एसटीम बड़ी उच्ची आती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह ने कहा यह जेडे तीन जी है ना ये किसी के पालतू नहीं आते, गुलाम नहीं आते। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह ने कहा मेरा सिख किसी का पालतू ना हो, गुलाम ना हो। जेड़ा सिख गुलाम हो गया, पालतू हो गया, वह कुत्ता तो हो सकता है पालतू, शेर पालतू नहीं आता। शेर की अणख बड़ी उच्ची आती है। कुत्ते आते ने जेड़े पालतू बनाए जाते ने, लोभी लालची ते चलाक आते ने कुत्ते। जदों कुछ मिलन की आस होवे अगे मूँह खुलिया आता है, पिछे पूछल हिलदी रहती है। शेर नहीं करता, सिंह नहीं करता। ते सचे पातशाह ने कहा सी जो पालतू हो जाए वो सिख नहीं आता, जे जो सिख है वो किसी का पालतू नहीं आता। ए उच्ची जमीर उच्ची आत्मा नाले पता चलता है। जिन्हां दी जमीर जिन्हां दी आत्मा नीवी आती है उन्हां नू ये पता नहीं चल सकता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह कहिंदे ने मेरे पिता ने दो चीज़ां दे उत्ते बड़ा ध्यान दिता, कीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। असी भी अपने बच्चों के शरीर की तंदुरुस्ती की देखभाल करिए, ते हर किस्म की शिक्षा उन्होंने देिए। शरीर कमजोर ना होवे, बुद्धि कुंड ना होवे, ते आत्मा गिरी हुई ना होवे। सिख बच्चे तो आस उम्मीद गुरु की भी यही है, ते साड़ी भी यही होनी चाहिए है। सचा पातशाह बख्शिश करे, कृपा करे सानू दरों करों। यह जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश होया है वो प्रकाश साडे हिरदे च भी आवे। इतने बचन आज दे वक्त प्रवान करने, 2:30 बजे शुरू किया सी, 1 घंटा किया सी ते पूरे 3:30 होए ने। ते सवाली जी ने यह भी किया सी भई अगे टाइम कोई ना वधे बुलारा तो मैं भी अगे नहीं जाता। इतने बचन प्रवान करने, भुला चुकां दी खिमा। आपने जितनिया ने भी टिक के बैठ के सुनिया है उन्हां दा धन्नवाद। सच्चा पातशाह आपनू सिदक दी भरोसे दी ए दात बख्शदे रहन ताकि सिक्खी सिदक नाले साडा जीवन चल सके। अगला प्रोग्राम आप सरवण करो, भुला चुकां दी खिमा। मैं गरीब दी झोली देच आप रब रूप संगत रूप
असीसां दी खैर पाउंदे होए सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।